सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज तोवेल। आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। यस, क्यूएनए वीडियो होने वाली है और एक बार फिर से हम लोग वीकली क्यूएनए स्टार्ट करने वाले हैं और देखते हैं भाई अब ये कब तक हमें कंटिन्यू देखने को मिलता है। इस क्यूएनए को आई होप कि मैं इसको पूरा ही कंटिन्यू रखूँ, जो कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो अब से ये क्यूएनए कंटिन्यू होने वाला है। सो पीछे थोड़ा चेंज देखने को मिल रहा होगा। वेल ऑब्वियसली ये चेंज इसलिए है क्योंकि भाई वो मुझे पाना है, तो आई होप कि आप लोग जल्दी वो ड्रीम पूरा कर दोगे। तब तक हम असली लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है? असली लगा देंगे, हाँ यहीं पे असली लगा देंगे, ठीक है? ओके, तो चलते हैं फिर आपके क्वेश्चन की तरफ, क्यूएनए की तरफ, क्यूएनए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, के एम ए गेमिंग रूम इनका देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने पूछा है हैशटैग क्यूएनए, फर्स्ट आपके हिसाब से किसको डिथ्रोन करना चाहिए, रोमन रेंस को? तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस को किसको डिथ्रोन करना चाहिए, तो मैं बताऊँ तो मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस और ब्रे वाइट। मैं शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, सेथ रॉलिंस और ब्रे वाइट इन दोनों में से जो सुपरस्टार हो वो एक हराएगा चलेगा। तो सेथ रॉलिंस और ब्रे वाइट फिलहाल के टाइम पे मेरी पिक है। सेकंड इनका पूछना है कि रॉ के 30th एनिवर्सरी वाले एपिसोड में थियरी बॉबी लैशली का जो मैच होने वाला है उसमें ब्रॉक लेसनर आके टाइटल कॉस्ट कर सकते हैं क्या? लव यू ब्रदर, थैंक यू भाई। एंड टाइटल कॉस्ट करने की बात करें तो स्पेकुलेशन तो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है कि द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का हमें वहां पर रिटर्न देखने को मिलेगा और रिटर्न करके वो हो सकता है कि मैच कॉस्ट करवाते हुए दिखाई दे जाए बॉबी लैशली को। तो मे बी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है और ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा अगर ऐसा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला तो, और राइवलरी भी कंटिन्यू हमें होते हुए दिखाई देगी, तो ये काफ़ी बढ़िया डिसीजन हो सकता है। बढ़ते वैसे नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है आई लव नॉर्मी रेसलिंग का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट एरिक रोवन का रिटर्न रॉयल रंबल मैच में होगा क्या, और होगा तो कितने नंबर पर एंट्री लगेगा? तो मुझे लगता है कि भाई एंट्री के बारे में मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर एरिक रोवन रिटर्न कर रहे हैं तो हो सकता है कि ब्रे वाइट के आसपास ही हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, यानी कि जब ब्रे वाइट एंटर करते हुए दिखाई देंगे रॉयल रंबल मैच के अंदर उसके आसपास के किसी नंबर में एंटर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर फिर भी मैं यहां पर गेस करूं तो मुझे लगता है कि 19 से 20 में आ सकते हैं, मतलब 19 या 20 इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा जहां पर हमें शायद एरिक रोवन देखने को मिले। एंड नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि हु विल बी द नेक्स्ट टू डिक्लेयर फॉर 2023 मेंस रॉयल रंबल मैच। आई थिंक मुझे लगता है कि कोई भी सुपरस्टार हो सकता है मे बी डिक्लेयर करते हुए दिखाई दे जाए अपने लिए रॉयल रंबल के स्पॉट को। मे बी देखते वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है। थर्ड इनका पूछना है कि गोल्डबर्ग का रिटर्न रॉयल रंबल में होगा क्या ब्रो, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो पिक कर लिया भाई। तो गोल्डबर्ग का आई थिंक चांसेस काफी कम है कि हमें गोल्डबर्ग रॉयल रंबल में रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं है, हो सकता है, क्या पता हमें गोल्डबर्ग रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जॉय भटनागर का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग क्यूएनए हेलो नॉर्मी पंकज, यस ब्रदर। तो इनका क्वेश्चन नंबर 1 इज एरिक रोवन कम्स इन रॉयल रंबल और बो डालास एंड एरिक इंटरफेयर इन ब्रे वर्सेस एलए। यस, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी खासी है। एरिक रोवन का हमें रॉयल रंबल में रिटर्न देखने को मिलेगा और हो सकता है कि बो डालास, ऑब्वियसली वो अंकल हाउडी बताया जा रहा है, तो ऐसे में हमें यहां पर इन दोनों का काफी ज्यादा इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। मैंने अपडेट वाली वीडियो में बता रखा है, तो इंटरफेरेंस तो भाई भरपूर देखने को मिलेगा, तो देखते वैसे क्या कुछ और भी देखने को मिलता है। सेकंड इनका पूछना है कि व्हाट अबाउट डेव बटिस्टास रिटर्न एट रॉयल रंबल। इनके चांसेस काफी कम है। मैंने बटिस्टा को पहले भी बता रखा है अपडेट में कि बटिस्टा का मेरे जो रिटर्न देखने को मिलेगा वो हो सकता है कि हॉल ऑफ फेम के लिए देखने को मिले, रॉयल रंबल में मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि डेव बटिस्टा रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे। थर्ड इनका पूछना है कि इज इट पॉसिबल दैट मैट कार्डोना कम्स विद चेल्सी ग्रीन एट रॉयल रंबल। मे बी, यस, मुझे भी ऐसा कंफर्म नहीं लग रहा, लेकिन मैट कार्डोना रिटर्न करेंगे। मुझे लगता है कि मैट कार्डोना चेल्सी ग्रीन के साथ में रॉयल रंबल में शायद रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए, वो काफी बड़ा सरप्राइज हो सकता है, तो देखते वैसे क्या होता है। नेक्स्ट वन इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 4, इफ एरिक रिटर्न्स देन ही परमानेंटली साइन डब्ल्यूडब्ल्यूई और ही कंटिन्यू विद इंडी शोज। मुझे लगता है कि एरिक रोवन रिटर्न करेंगे तो ट्रिपल एच उनको एक कॉन्ट्रैक्ट देंगे परमानेंटली, वो इंडी शो के अंदर फिर हमें नहीं जाते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर एरिक रोवन के साथ में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है WrestleMania possible returns Stone Cold, The Rock, ये काफी बड़े रिटर्न होंगे, और जॉन सीना, मतलब ये रिटर्न्स तो हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पक्का है। प्लीज पिक माय क्वेश्चन 4 की मैंने पिक कर लिया भाई। चलते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है द ट्राइबल बीस्ट का। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट मैकिंटायर वर्सेस गंथर एट WrestleMania फॉर IC टाइटल।
आई थिंक ये काफी बढ़िया मैच हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि मैकइंटायर वर्सेस गंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मे बी शायद ही रसलमेनिया के अंदर देखने को मिले। अगर देखने को मिलता है तो ये भी काफी बड़ा मैच है, काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन चांसेस थोड़े कम है मुझे लगता है कि। सेकंड इनका पूछना है कि लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स एट रसलमेनिया 39। तो लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स मुझे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि रसलमेनिया 39 के लिए लोगन पॉल वर्सेस एजे स्टाइल्स देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इनका पूछना है कि ब्रूड एज वर्सेस डीमन बैलर एट रसलमेनिया हेल इन अ सेल मैच, तो ये पॉसिबल है। मे बी हमें जो प्लान्स रॉयल रंबल के लिए बनाए जा रहे थे वो रसलमेनिया के लिए अब बनाए जा सकते हैं, तो चांसेस है कि हमें शायद ब्रूड एज वर्सेस डीमन बैलर ये हेल इन अ सेल मैच हमें रसलमेनिया में देखने को मिले, मे बी हो सकता है। फोर्थ इनका पूछना है कि विल द वीकेंड परफॉर्म एट रसलमेनिया बिकॉज हिज थीम सॉन्ग आर ऑफिशियल फॉर लास्ट फोर ईयर। रसलमेनिया 36, 37, 38, 39 ऑल्सो क्राउन ज्वेल 2021 ऑफिशियल थीम्स ऑल्सो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यस भाई वीकेंड को एक बार आके WWE के अंदर परफॉर्म जरूर करना चाहिए। बंदे का इतना ज्यादा थीम सॉन्ग, मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं वो काफी ज्यादा WWE के अंदर यूज होते हैं, तो ऐसे में इस बंदे का भी फर्ज बनता है कि एक ना एक बार आके परफॉर्म करे WWE के अंदर। तो मैं तो होप करूंगा कि शायद रसलमेनिया के अंदर शायद एक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है जेरी बडीज का, भज्जीज का। तो इनका पूछना है कि भाई आप ही बताओ आपके हिसाब से रॉयल रंबल विनर कौन बनना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से रॉयल रंबल विनर कोडी रोड्स को बनना चाहिए, बट द रॉक आते हैं तो द रॉक भी सही ऑप्शन है। सेकंड इनका पूछना है कि क्या स्टोन कोल्ड का रिटर्न होगा। यस ऑब्वियसली स्टोन कोल्ड का रिटर्न होगा। थर्ड लास्ट क्वेश्चन, क्या शील्ड दोबारा कभी इन फ्यूचर रियूनियन होगा। यस डी एम्ब्रोस का मन होगा, यानी कि जॉन मॉक्सली का मन होगा, तो ऑब्वियसली हमें शील्ड एक बार फिर से रियूनियन देखने को मिलेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें WWE रिटर्न्स का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई आई विल आस्क बेस्ट क्वेश्चन, रोमन वर्सेस ब्रॉक, ये ब्रॉक ने दिमाग में घुस गया है, रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली कब होगा। रोमन रेंस वर्सेस बॉबी लैशली आई थिंक रसलमेनिया के बाद शायद देखने को मिल जाए। एंड सेकंड इनका पूछना है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज एट रसलमेनिया 39, तो ये मैच शायद पॉसिबल है, मतलब देखने को मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि अब जैसी अपडेट आ रही है तो ऐसे में चांसेस कम है कि ब्रॉक वर्सेस एज एट रसलमेनिया 39 देखने को मिले। थर्ड इनका पूछना है कि गंथर विल लूज हिज चैंपियनशिप इन एलिमिनेशन चेंबर, तो यस इसकी पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है, मे बी वो अपनी टाइटल एलिमिनेशन चेंबर में ही हारते हुए दिखाई दे जाएं। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है हेड ऑफ द टेबल MGH का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग किवन ब्रो क्या विंस WWE टोनी खान को बेचेगा। आई थिंक मुझे नहीं लगता बेचना चाहिए, बट विंस मैकमैन को पैसा मिला ना भाई, पैसा वो ले लेगा यार, कंपनी बेच देगा भाई, टोनी खान को ले दे देगा कंपनी, भरोसा नहीं है विंस के ऊपर यार, ये कुछ बंदा कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है SK आरिफ का। तो इनका पूछना है कि क्या रॉक वर्सेस रोमन कन्फर्म है रसलमेनिया के लिए। अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन यस कन्फर्म है, जैसे यहाँ पर हिंट देखने को मिल रहा है WWE की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा टीज देखने को मिल रहा है, तो कन्फर्म है रॉक वर्सेस रोमन रसलमेनिया 39 के लिए कन्फर्म है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, मैंने आदित्य भाई मैंने आपका क्वेश्चन लिया फिर भी, आदित्य गिलबिले का कमेंट है, इन्होंने पूछा है पंकज भाई इतने दिनों बाद कि मैंने अगर डाला है तो पूछ लेता हूँ। ओके भाई पूछ लो। फर्स्ट, क्या रॉक और रॉक के 30th एनिवर्सरी पे आएंगे और क्या उसोस जजमेंट डे अगेंस्ट अपनी रॉ टैग टीम टाइटल हारेंगे। तो यस टाइटल हारने के चांसेस मुझे अभी थोड़े कम लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है हार जाए। और बात रही द रॉक की, तो द रॉक शायद ही हमें मंडे नाइट रॉक के 30th एनिवर्सरी में देखने को मिले, वो हमें रॉयल रंबल में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सेकेंड इनका पूछना है कि रॉयल रंबल 2023 विनर्स बोथ मैन एंड वुमेन। तो मैन एंड वुमेन में बात करें तो मैन में द रॉक मुझे लग रहा है, और कोडी रोड्स, वुमेन की बात करें तो रिया रिपली या फिर बेली भी हो सकती हैं। थर्ड इनका पूछना है कि अगर रोमन रेंस रसलमेनिया 39 में अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं हारेंगे तो तब कब हारेंगे, अगर हारेंगे तो किसके खिलाफ हारेंगे। तब मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स के अगेंस्ट हारेंगे, या फिर ब्रे वाइट भी हो सकते हैं, और तब हो सकता है कि समर स्लैम के अराउंड हारे या फिर समर स्लैम में हारे, तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इनका पूछना है कि रसलमेनिया 39 का नाइट वन का और नाइट टू का मेन इवेंट क्या होगा, प्लीज पिक माय क्यूएनए पंकज भाई एंड लव यू ब्रो थैंक। ओके भाई थैंक यू। एंड 39 के नाइट वन का मुझे लगता है कि मे बी शायद बैकी लिंच मेन इवेंट करते हुए दिखाई दिया कोई वुमेन सुपरस्टार, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स में भी शायद ये मेन इवेंट देखने को मिल जाए WWE चैंपियनशिप के लिए। और नाइट टू में ऑब्वियसली रोमन रेंस वर्सेस द रॉक, तो ये तो लॉक्ड है, तो यही हमें देखने को मिलेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है KP प्रो 1234 का। तो इनका पूछना है कि हैशटैग क्यों बने, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। ओके पिक कर लिया भाई।
रैंडी ऑर्टन रंबल में आएगा और क्या फिन रॉयल रंबल में मैच में आएगा? तो भाई देखो, पहली बात तो रैंडी ऑर्टन के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है कि वो आ सकते हैं सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पे। फिंड, मुझे लगता है कि शायद फिंड एंटर करते हुए दिखाई दे जाए रॉयल रंबल में, ऐसे हो सकता है। कंफर्म नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हो सकता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें दिव्यांशु सिंह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो, द रॉक का रिटर्न डब्ल्यूडी में रॉ 30 ईयर के एपिसोड में होगा या रॉयल रंबल 2023 में होगा? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो मैंने इसका आंसर पहले भी दे रखा है, तो रॉ के 30 में तो नहीं होगा, रॉयल रंबल में हमें डायरेक्टली देखने को मिलेगा। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें जाहिद खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई, क्या सेथ वर्सेस कोडी रसल मेनिया में होगा? तो क्या सेथ फिर हारेंगे? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। भाई सेथ रॉलिंस के फैंस काफी ज्यादा हर्ट होंगे अगर इस बार सेथ रॉलिंस आ रहे तो। मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि सेथ रॉलिंस यहां पर जीते और डब्ल्यूडी चैंपियनशिप के लिए होगा तो डेफिनेटली जीते। भाई सेथ को चैंपियन बनना जरूरी है। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, वैसे मैंने इसका आंसर यही बता दूं कि यस जीतेंगे भाई सेथ रॉलिंस को, इस बार तो जीतना बनता ही है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें अरबाज शेख का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो, क्या रॉ 30th एनिवर्सरी पर स्टेज चेंज हो सकता है? व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे लगता है कि यस, रॉ के 30th एनिवर्सरी पे हमें थोड़ा बहुत स्टेज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडी हमें थोड़ा बहुत नॉस्टैल्जिया दिखाने की कोशिश करेगी, तो चांसेस है स्टेज चेंज के। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, वाओ मेरे फ्रेंड ट्राइबल चीफ सोनू का। तो इनका पूछना है कि पिक वन रॉयल रंबल विनर, रॉक और कोडी। तो रॉक और कोडी में से मैं यहाँ पर पिक करूंगा रॉक को फाइनली। यस, रॉक मेरे फेवरेट है भाई। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें वैभव मेंदे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ओके, आई हैव अ बोल्ड क्वेश्चन, When will Roman storyline will end? Seriously, I'm getting bored now. WWE is now over pushing WWE since match between Brock and his at last year SummerSlam. तो यस, थोड़ा बहुत तो ओवर पुश है, मतलब फिर भी रोमन रेंस कंपनी चला रहे तो यार करना ही पड़ेगा। यस ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो बोर लगता है, लेकिन फिर भी टाइटल जल्दी साथ से स्ट्रिप हो जाए तो शायद टाइटल चेंज होते हुए दिखाई दे सकती है। वैसे एक बात बता दूँ, रोमन रेंस के फैन अभी गुस्सा होंगे कॉमेंट सेक्शन में, तो सॉरी भाई, सीरियसली ब्रॉक के फैंस बचा लेना। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है अशोक दुबे का। तो इनका पूछना है कि ब्रो, अगर डब्ल्यूडी में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? भाई मैंने इसके लिए एक सेपरेटेड वीडियो बना रखी है, मैं शायद से यहाँ पर कुछ दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना भाई, नहीं तो चैनल पर भी चेकआउट कर लेना। मैंने एक सेपरेटेड वीडियो बना रखी है तो आपको पता चल जाएगा आप डब्ल्यूडी कैसे जा सकते हो। वैसे खाओ पियो मस्त रहो और क्या। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है एजी टेक्निकल गाइस का। तो इनका पूछना है कि भाई, क्या रॉक डिथ्रोन कर सकते हैं रोमन रेंस को? आई सेड नो, मतलब नहीं यार, क्यों रॉक क्यों डिथ्रोन करेंगे? वो तो हारने आएंगे ना भाई, उनको हॉलीवुड से फुर्सत रहे तब ना एक टाइटल रेन दें। नहीं देंगे यार, रॉक हारेंगे, सीरियसली मुझे भी ये लगता है रॉक हारेंगे ही हारेंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें इनोसेंट प्रिंस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो, आई एम अ फैन ऑफ योर चैनल ब्रो, अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गए तो रोमन वर्सेस रॉक नहीं होगा अगर रसलमेनिया में, और रोमन का फेस टर्न कब तक होगा आंसर कर दो। सो फर्स्ट थैंक यू भाई, मुझे भी नहीं पता था चैनल के फैंस भी हैं, तो थैंक यू यार इतना अच्छा खासा कमेंट करने के लिए। और कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत गए तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस होगा, फिर भी होगा, हो सकता है कि शायद रॉक के लिए रोमन रेंस के लिए कुछ अलग ही प्लान्स बन जाए, और कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतेंगे तो शायद से उनके लिए मे बी सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप चले जाए, वैसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज डब्ल्यूडी यहाँ पर स्टोरी लाइन में काफ़ी बड़े चेंज करते हुए दिखाई दे सकती है, लेकिन अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो दो मैचेस तो नहीं रसल करेंगे रोमन रेंस रसलमेनिया 39 में, फिलहाल करंट ये अपडेट है। मे बी हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है। और रही फेस टर्न की बात, तो भाई फेस टर्न तो शायद ही अब हमें देखने को मिले, अब रोमन रेंस का यही कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, तो इन्जॉय करो भाई इस कैरेक्टर को। और ऑब्वियसली इसी कैरेक्टर के साथ ही हमें फेस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलेंगे, अब शायद ही कैरेक्टर चेंज देखने को मिले। अगले कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें रोमन रेंज 72 का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ओके ब्रो, फर्स्ट में ही आ जाता हूँ, फर्स्ट भाई क्या सैमी जेन वर्सेस रोमन रेंज एलिमिनेशन चेंबर मैच में हो सकता है क्या? वेल, एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू में यस ऑब्वियसली रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन में भी मुझे लगता है कि हो सकता है, जैसी रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है, लेकिन पोस्टर में रोमन रेंस नहीं है तो इसलिए डर लग रहा है कि शायद ना देखने को मिले, फिर भी देखते हैं क्या होता है। सेकंड इनका पूछना है कि रॉयल रंबल में कोडी रोड्स विन हो सकते हैं क्या? मे बी, शायद यस हो सकते हैं। थर्ड, जॉन सीना वर्सेज लोगन पॉल का मैच रसलमेनिया में हो सकता है
यस ऑब्वियसली हो सकता है, चांसेस काफी अच्छे खासे हैं। ब्रॉन स्टोमन का आगे क्या होगा? तो ब्रॉन स्टोमन का तो आईसी टाइटल शायद ही वो जीते। ब्रॉन स्टोमन हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें हो सकता है किसी और टाइटल के लिए जाते हुए दिखाई दे जाए। आईसी टाइटल मुझे नहीं लगता कि वो जीतेंगे, किसी और प्लान्स के लिए हमें देखने को मिल सकता है उनका, मतलब मैच देखने को मिले। लेट्स सी क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें ए बी सी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग केविन है, ब्रो विल रोमन ड्रॉप हिज टाइटल एट समरस्लैम गोज टू ब्रेक एंड रिटर्न टू विन रॉयल रंबल मैच 2024। बहुत बढ़िया आइडिया भाई, बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। मे बी हो भी सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मे बी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। रोमन रेंस पहले टाइटल अपने ड्रॉप करते हुए दिखाई देंगे, और हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप हमें तब तक चलते हुए दिखाई दे जाए, लेकिन डब्ल्यूडी टाइटल शायद जल्दी ड्रॉप कर दे। तो देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें द शील्ड फैन क्लब का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि सेथ कब डब्ल्यूडी चैंपियन बनेंगे और उसोज रॉ टाइटल कौन जीतेगा, उसे से रॉ टाइटल कौन जीतेगा। तो सेट डब्ल्यूडी चैंपियन आई थिंक मुझे लगता है कि रसलमेनिया तक बन जाएंगे। और बात रही उसोस की, तो मुझे लगता है कि उसोस जजमेंट डे से हार सकते हैं, काफ़ी अच्छे खासे कंटेंडर है तो हार सकते हैं उनसे टाइटल में भी। वैसे अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें शशि रॉय का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन बनेगा या नहीं। सीरियसली आंसर बताओ तो मुझे लगता है कि नहीं बनेंगे, क्योंकि शायद से अब उनको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे वो डब्ल्यूडी को, इसलिए वो 17 टाइम चैंपियन शायद ही बनेंगे। तो चांसेस काफ़ी कम है, कोई और बनेगा शायद 17 टाइम चैंपियन, मे बी रैंडी हो, मे बी क्या हो, और कोई सुपरस्टार हो, देखते क्या होता है। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें बसंत सिरोही का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई एरिक रोवन रिटर्न एंड एज रिटर्न डेट, और भाई फिन कब आएंगे। फिन तो रॉयल रंबल में आपको देखने को मिल जाएंगे, एज भी आपको रॉयल रंबल में देखने को मिल जाएंगे, एरिक भी आपको रॉयल रंबल में देखने को मिल जाएंगे। आंसर इज हियर, मतलब एरिक, ब्रॉन तो है, एज और फिंड, ये तीनों देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल 2023 के अंदर। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कमेंट हमें दिलीप सिंह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या वुमेन्स रॉयल रंबल मैच में नाया जैक्स आएगी क्या, पिक माय क्वेश्चन ब्रो। भाई नाया जैक्स के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि नाया जैक्स आएंगी, और आनी भी नहीं चाहिए शायद, तो नहीं लगता है भाई, मुझे नहीं लगता नाया जैक्स नहीं आएंगी। सो मेन इवेंट कमेंट है रिजवान नौमान का। तो इनका पूछना है कि हु कैन डिफीट रोमन। तो रोमन की बात करें तो कौन डिफीट कर सकता है, तो मुझे लगता है कि एक तो सेथ रॉलिंस हो सकता है, एक तो कोडी रोड्स मे बी, और ब्रे वाइट, ये तीन सुपरस्टार मुझे लगता है कि जो डिफीट कर सकते हैं रोमन रेंस को, और सबके चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। सो आई थिंक मैंने सभी के क्वेश्चन पिक कर लिए हैं, और ये था आज का Q&A वीडियो। आई होप आपको ये Q&A वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो यार वीडियो में बताओ कमेंट करके, ठीक है। एंड ऑब्वियसली भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती है, तो भाई डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।